बंदों चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार, जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब साहिब, जग में महान है, तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान, सत्संग सप्ताह आदि देखकर ऐसा लगता है कि समाज भक्ति के रंग में रंग चुका है। ऐसा लगता है कि फिर हम सब भक्ति के युग में पहुंच गए हैं। बड़ी धूमधाम से, जोर शोरों से भक्ति का प्रचार हो रहा है, लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि इंसान में भक्ति के लक्षण, भक्ति के गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई भक्तियाँ वर्तमान में जो भक्ति का माहौल दिख रहा है, बेअसर है। भक्ति का असर क्या है? क्षमा, दया, सत्य, शील, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, अनुराग, प्रेम, मित्रासन, सौहार्द आदि, सहजता, ये भक्ति के गुण हैं। आज इंसान के अंदर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। भक्ति आदमी के हृदय को शुद्ध करती है, लेकिन ये भक्ति बेअसर सी क्यों हो गई है? भक्ति का असर दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वजह है भक्ति का असर नहीं दिख रहा है? भक्ति कहीं दिखावा तो नहीं हो गई है? भक्ति देने वाले कहीं भटके हुए तो नहीं है? भक्ति करने वालों में तो कहीं कमी नहीं है? कमी कहाँ है आखिर? या तो भक्ति में कमी है, या भक्ति देने वालों में कमी है, या भक्ति करने वालों में कमी है। क्योंकि भक्ति का मामला पूरा फैल हो रहा है। जो भक्ति का मामला फैल हो रहा है वो समझ में भी आ रहा है, दिख भी रहा है कि लोग भक्ति कर रहे हैं, ठगियां भी कर रहे हैं, छल भी कर रहे हैं, कपट भी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। आखिर ये भक्ति पहल कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है? ज़रूर कारण सोचना होगा। या तो भक्ति करने वालों में कमी है, या भक्ति में कमी है, या भक्ति बताने वालों में कमी है। कमी कहीं ना कहीं ज़रूर है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना। भाई सभी भक्ति 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 बोल रहे हैं, पर भक्ति भेद कोई बढ़ला जाना, भक्ति का भेद कोई कोई जान रहा है। सबसे पहले देखते हैं इस भक्ति में कहीं छल आ गया है, कहीं कपट आ गया है, भक्ति में कहीं कमी आ गई है। जब गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ी में खराबी हो जाती है, तो मैकेनिक के पास ले जाते हैं। मैकेनिक उसका मुआयना करता है कि भाई ये इसमें बिजली पैदा नहीं हो रही है, अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है, या इंजन नहीं काम कर रहा है, या क्या कारण है। आखिर वो कारण जानने की कोशिश करता है कि भाई कारण क्या है, गाड़ी क्यों नहीं चल रही है। वो एक सिरे से जांच करना शुरू करता है। आओ थोड़ा जांच करें।
आदमी भक्ति कैसे कर रहा है। पहली बात तो इंसान का भक्ति करने का तौर तरीका बड़ा अजीबोगरीब है। तीनों जगह की कमियों को ठीक से देखना होगा। बिन जाने जो कोई भक्ति करे सो नहीं भव सागर से तरई। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बड़ला जाना। वाह भाई साहब कह रहे हैं भक्ति भक्ति सब कर रहे हैं पर भक्ति का कोई भेद नहीं जान रहा है, और बिना जाने अगर हम भक्ति करेंगे तो इस भव सागर से किसी भी कीमत में पार नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भक्ति को। भक्ति में त्रुटियां आ गई है, समझना होगा। आज आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। मैंने बहुत टाइम पहले कह दिया था बड़ी बड़ी बीमारियां आएगी, क्योंकि जो हम अनाज साग सब्जियां खा रहे हैं इनमें जो उर्वरक या खादें डाली जा रही हैं वो जहरीली है। अब उसका नतीजा सामने आ रहा है, क्योंकि ज़मीन में जो ताकत होगी वही ताकत तो फसल में आएगी। जब हम जहर डालेंगे ज़मीन में तो जो फसल है उसमें भी तो जहर आएगा। ये यूरिया डाई अंग्रेजी खादें ये मैक्सिमम जहर हैं, फसल को बढ़ा तो देती हैं। पहले आदमी बीमार नहीं हो रहे थे, हमारे देश में स्वास्थ्य अच्छा था लोगों का, अब साधन भी बड़े अच्छे हो गए, लेकिन हर एक आदमी बीमार हैं, क्योंकि हम सब हमारा खान पान गहराई पर जाएंगे। कहेंगे जी हम तो अच्छी सब्जियां खा रहे हैं, ताज़े फल खा रहे हैं, ताज़ी सब चीज़ें ताज़े तो आप खा रहे हैं, लेकिन उनकी उपज जिन खादों से हुई है खतरनाक है। इस तरह भक्ति तो आदमी कर रहे हैं पर भक्ति का तौर तरीका, जहाँ से भक्ति ली जा रही है, जो भक्ति की जा रही है, वो तरीका खतरनाक हो गया है। इसलिए भक्ति क्षेत्र को ठीक से समझना होगा। भक्ति क्षेत्र में तीन चीज़ें आ गई है, इसमें रोमांस आ गया है, इसमें अपराध आ गया है, इसमें राजनीति आ गई। अपराध और राजनीति आ गई और इसमें व्यापार आ गया है। भक्ति क्षेत्र तीन चीज़ों से कुंठित हो गया। एक तो भक्ति क्षेत्र में रोमांस आ गया। अब रोमांस कैसा? गुरुआ लोग भक्ति कारक लोग कहीं बालों को कर्लिंग करा रहे हैं, कहीं फैशन कर रहे हैं, कहीं लोगों को माताओं बहनों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सब मिलाकर के भक्ति में रोमांस बहुत ज़्यादा आ गया है। इसलिए बुद्धिजीवी आदमी जो थोड़ा समझ रहा है किनारा करता जा रहा है, वो नाटक समझ रहा है, इसलिए भक्ति में रोमांस बहुत ज़्यादा आ गया। ये भक्ति में रोमांस आप देख सकते हैं। पहले महात्मा लोग गुरु लोग क्या करते थे, अपना होलिया ही बिगाड़ते थे ताकि कोई हम पर आकर्षित ही नहीं हो। आज माहौल ये हो गया है कि महात्मा जी जो सत्संग करने आ रहे हैं बालों को कर्लिंग किया हुआ है, वो अपने को थ्रीडिंग ब्रीडिंग जो कुछ होता है वो सब कुछ करा करके आया हुआ है। अब वो चाहता क्या है? इसका मतलब है वो ज्ञान से किसी को आकर्षित नहीं करना चाह रहा है, वो सुंदरता से आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब है कि रोमांस आ गया, इसमें विषय विकार आ गए, भक्ति में गंदगी आ गई, ये नज़र आ रही है। फीमेल साइड से भी जो भक्ति का प्रचार कुछ कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम देख रहे हैं, मैक्सिमम बड़ा मैचिंग करते हैं ब्यूटी पार्लर से, पूरा वो वैसे ही चूड़ी होनी चाहिए जी, वैसे ही चैनी होनी चाहिए जी, वैसे ही दुपट्टा होना चाहिए, एम्ब्रॉयडरिंग किया हुआ फलाना। तो वो क्या अपना क्या दिखा रहे हैं, आखिर रोमांस दिखा रहे हैं या ज्ञान दिखा रहे हैं? एक महात्मा तो अपना पहले ज्ञान दिखाता है, इसका मतलब भक्ति में रोमांस आ गया है, भक्ति में रोमांस आ गया है, और ये एक गलत शुरुआत है। पहले जो महापुरुष लोग सत्संग या ज्ञान देते थे वो कभी किसी को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं चाह रहे थे। उनका लक्ष्य था इंसान को हम ज्ञान दे दें, इंसान को हम चेतनता दे दें, आदमी को हम चेतन कर दें। उनका ध्यान ही नहीं था इन बातों की तरफ। आज ये उल्टा, यानी एक गंदी चीज़ आ गई है भक्ति में, ये भक्ति को दूषित कर रही है। आए दिन ये सब चीज़ें हम सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और दूसरी बात क्या हो गई है, बेसिकली जो भक्ति बताने वाले लोग हैं वो अंतर्मुखी नहीं हैं, वो एक व्यापार हैं। आप आज एक डाकू को भी एक महीने के अंदर एक बहुत बड़ा महात्मा करके समाज के आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस जी पैसे का खेल है। चैनल्स तमाम चल रहे हैं, कंपटीशन इतना हो गया है कि पूछिए मत, वो कंपटीशन है। आओ जी आप कुछ भी बोलो, हम आपके लिए लिख देंगे श्री श्री 1008 फलाना फलाना नंद महाराज जी, बस अभी अभी बद्री नारायण से सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करके उतरा है, और आप आकर के झोलियां भर करके जल्दी ले जाएं। अखबारें तमाम रंग देगी ये सब चीज़ें। आदमी सस्पेंशन में है, करूं क्या, आदमी को पता नहीं चल रहा है। इसलिए भक्ति के अंदर ये ड्रामेटिकल चीज़ें ज़्यादा आ गई है, और कबीर साहब ने इसका इशारा पहले कर दिया है।
आखिर हम सब भटक रहे हैं तो इसका कारण है कुछ। कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोय, कामी क्रोधी लालची इनकी पूजा होए। वाह भाई वाह, इसका मतलब है अब भक्ति का क्षेत्र ही बदल गया है और भक्ति अब दौलतवान लोगों की हो गई है, भक्ति एक स्टेटस मानी जा रही है, भक्ति एक त्याग नहीं माना जा रहा है। अब आदमी गुरु की तलाश भी कैसे कर रहा है, गुरु की तलाश उसके त्याग ज्ञान वैराग्य विवेक शक्तियों से नहीं कर रहा है, बस आदमी अपने गुरुओं की तारीफ आजकल कैसे कर रहा है, भाई हमारे गुरुजी फलाने मिनिस्टर की लड़की से ब्याह किए, कहते वाह 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 बहुत बड़े हैं भाई, फलाने मंत्री की लड़की उनकी पत्नी है, वाह वाह वाह। दुनिया आजकल गुरु लोगों को बच्चे पैदा हो रहे हैं बधाइयाँ दे रही है, दे रहे हैं कि गुरुजी को बधाई पुत्र पैदा हुआ। मैं कहता हूँ यह तो जहमत की बात हुई या बधाई की बात है कि गुरुजी एक सन्यासी एक विषय विकारों से परे हो, गुरुजी ने विषय विकार किए तभी तो लड़के बच्चे पैदा हुए, ये जहमत की बात है या बधाई की बात है। वाह रे वाह कलयुग, अब जो शिष्य लोग हैं गुरुजी को बधाइयाँ भेज रहे हैं कि गुरुजी आपको पुत्र हो, लख लख बधाइयाँ लख लख बधाइयाँ। अब सवाल ये उठा कि हम जा किस तरफ रहे हैं, भक्ति कहाँ पहुँच रही है, भक्ति का क्या हाल हो रहा है, हमने भक्ति का गलत स्वरूप एक बनाकर अपनी नज़र में रखा है। अब गुरुजी का रूप कैसा हमारी नज़र में आम आदमी की, भाई गुरुजी का बेटा डॉक्टरी कर रहा है, वाह भाई वाह वाह। गुरुजी पुराना हमारा जज साहब था पहले, बोला वाह वाह बहुत बड़ा गुरुजी मिल गया है, गुरुजी इंजीनियर था, गुरुजी फलाना था, गुरुजी बहुत बड़ा सेठ था, गुरुजी के ये धन है, गुरुजी की इतनी बिजनेस है, गुरुजी की इतनी फैक्ट्री है, गुरुजी की इतनी मिले हैं, कहते वाह 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 गुरुजी भाई बहुत बड़ा है। यानी हम सब ने एक महात्मा की पहचान डिफेम कर ली है, हम सोचते हैं जिसके पास बहुत दौलत है वही अच्छा संत हो सकता है, जिसका बहुत बड़े लोगों से नाता है वही, और फिर ऊपर से कहते फलाना मंत्री भी गुरुजी के पास पहुंचा, भाई वाह 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 बस पूरा गुरु मिल गया है क्योंकि मंत्री भी वहां पहुंचा। अब मंत्री को भक्ति से कुछ भी नहीं लेना है, मंत्री ने तो अपना राजनीति करनी है, चलो भाई मंत्री जी पहुंच गया। आगे कह रहे हैं भाई गुरुजी के पास एक अपना हेलीकॉप्टर भी है, बोला बस 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 गुरुजी मिल गया, जिस गुरु की लोड थी वो सानू लभ गया, गुरु लादो भाई। बस आजकल गुरु वो मिल गया जो जिसका वैभव काफ़ी अच्छा है, जिसको काफ़ी, और ये सब टेलीविज़न इधर उधर की चीज़ें हैं, बस उसमें रिसर्च होता रहता है और कहते हैं भाई फलाना गुरु अव्वल नंबर। आजकल गुरुजी अव्वल नंबर किससे हो रहा है, लोगों की जजमेंट से, गुरुजी फलाना अव्वल नंबर। अब वो सीधा सब में बिजनेस है SMS करके। अभी मैं थोड़े दिन पहले अखबार में पढ़ा कि पाकिस्तान के अंदर 5 हस्तियों को बहुत मानते लोग। मैंने कहा भाई 5 हस्तियाँ कौन सी है, देखते हैं। उसमें दिखाया गया पहला एक अमिताभ बच्चन जी। मैंने कहा भाई ये तो एक कलाकार है, एक एक्टर है, ये कोई महात्मा भी नहीं है, कोई समाज सुधारक भी नहीं है, चलो ठीक है। दूसरा कोई रानी मुखर्जी। ना तो अमिताभ बच्चन जी से मेरा कोई झगड़ा है, ना तो रानी मुखर्जी, मैं जानता भी नहीं इन लोगों को, फिल्म देखता ही नहीं हूँ, पर अखबार में पढ़ा। मैं कहा भाई ठीक है, मैं कहा चलो आगे। फिर एक और कोई महात्मा जी था तीसरे नंबर पर, फिर चौथा उन्होंने कहीं कोई खान खान था वो, बोला अब उन्होंने कैसे ये शोध किया होगा, SMS भेजे होंगे, कहा भाई इनमें से फर्स्ट नंबर कौन है लिखो, SMS की चार्ज 8 रुपये है, ये भी बिजनेस है पूरी, पब्लिक को बुद्धू बनाया जा रहा है। अब SMS दुनिया भेजती जा रही है, हाँ जी फलाना खान फर्स्ट नंबर, हाँ जी फलाना मुखर्जी फर्स्ट नंबर, इस तरह से क्या हो रहा है। अब उन लोगों ने मशकरों ने अपनी राय भेज दी, मशकरों ने अपनी राय दे दी जी फर्स्ट नंबर अब माना हुआ पहुँचा हुआ वो है। वाह भाई वाह, मामला थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, लोगों को मानने का तरीका भी बिगड़ गया है, बदल गया है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा समय पहले रामानंद जी ने सीरियल बनाया रामायण, उसमें कलाकार लोग थे, एक आदमी था जो राम का अभिनय किया, एक लक्ष्मण का, किस कोई एक लड़की थी जिसने सीता का अभिनय किया, नाम जानता नहीं क्योंकि फिल्मों से काम ही नहीं है, उस तरफ जाता ही नहीं हूँ, पहली ये फिल्म देख रहा हूँ जो दुनिया में निरंजन की बनी हुई है, यही बड़ी निराली फिल्म है, इसमें और फिल्में देखने की ज़रूरत क्या पड़ गई, ये फिल्म नज़र ही आ रही है, रात दिन ये रील चल रही है। तो उसमें क्या हुआ, दुनिया के लोग वो जो उसमें लक्ष्मण राम जी बना, उस आदमी के पांव छूने लगे, भाई जहां भी जाए वाह वाह जी सच्चे राम तुम ही हो, हम कैसे लोग हैं, जबकि देख रहे हैं वो तो एक कलाकार है, उसकी करनी राम जी जैसी है ही नहीं है, उसका व्यवहार राम जी जैसा है ही नहीं है, हम उसको मानने लग गए, हम वैसे ही तो कर रहे हैं जैसे कोई आदमी बहुरूपिये का रूप बनाता है, बहेलिया बहुरूपिया, कभी हनुमान बनकर आता है आपका पड़ोसी है, आप जब जानते हैं कि ये तो हनुमान है मेरा पड़ोसी फलाना आदमी है, ये ओरिजिनल हनुमान नहीं है, फिर भी आप पाँव पढ़ रहे हैं उसके कि हनुमान जी जय हनुमान जी, आप में तो हनुमान का रूप दिख रहा है, अभी हनुमान का रूप किससे, जो मास्क लगाए उससे दिखा, जो बनावटी पूछ लगाई उससे दिखा, इसका मतलब हम बनावटी हो रहे हैं, हम जान भी रहे हैं कि ये पड़ोस का लड़का है, ये सही हनुमान नहीं है, फिर भी हम पांव पढ़ रहे हैं, यानी हमारी मान्यताओं में कमी आ रही है कहीं,
हमारी हमारी धारणाएं पागलों जैसी हो रही हैं कहीं, हम सब भक्ति को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। अब लोग वो लड़की को भी जय सीता माता जी सही में तुम ही हो पांव छूने लगे, लक्ष्मण जी के भी पांव छूने लगे। एक दिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं हैरान सा हो गया, क्या था, एक टाइटल पढ़ा कि राम सीता जी और लक्ष्मण का अफेयर चल रहा है, वाह प्रेम प्रसंग। मैं हैरान हो गया, मैं कहा जो त्रेता युग वाला लक्ष्मण जी था उसने तो सीता जी का चरण ही देखा था, आगे बॉडी भी नहीं देखी थी, ये क्या हो गया, ये कहाँ से आएगी खबर। जब मैंने पढ़ा तो क्या था कि जो लड़की सीता का अभिनय किया, वो जो लड़का सीता के लक्ष्मण का अभिनय किया, दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लग गया था और शादी करने वाले थे। वाह 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 वाह, अखबार वाले लिखते भी आदमी को भड़कीली खबरें देना चाहते हैं जिससे आदमी आकर्षित हो जाए। तो मैं उन लोगों से अब सवाल पूछ रहा हूँ जो उनको सही सीता मान रहे थे, जो सही लक्ष्मण मान रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाइयों आपका क्या ख्याल है, जिसको सही सीता मान रहे थे जो एक लड़की बनी थी कलाकार, जिसको सही लक्ष्मण मान रहे थे जो लड़का था, वो तो अभिनय वो जिए थे, उनके जीवन में कहीं सीता नहीं थी, उस लड़की के जीवन में दूर से भी कहीं सीता नहीं थी और उस लड़के के अंदर कहीं दूर से भी लक्ष्मण नहीं था, अगर होता तो आपस में प्रेम प्रसंग। लेकिन वारे वाह जनता जनार्दन उनको सही में सीता मानने लग गए, वारे वाह जनता जनार्दन उनको सही में लक्ष्मण मानने लग गए। हाल ये हो गया है, रास्ते पर एक आदमी आता है, देखते हैं बेरोजगार घूम रहा है, इस समय बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ती जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हो रहा है, आप मेरी बात को अपने घर जाओ डायरी में लिख लेना, थोड़े समय में भारत में रेवोल्यूशन हो जाएगी बहुत तगड़ी, क्योंकि जो अमीर हैं बहुत अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब हैं बहुत कंगाल होता जा रहा है, गरीब को इंडेक्स फिगर से या किसी अन्य चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको रोटी चाहिए, गरीब बेचारा बड़ा गरीब होता जा रहा है और जो अमीर हैं बहुत अमीर होता जा रहा है, और लोग धीरे धीरे जो ब्लैक मनी है वो ज़मीनों को खरीदने में लगाते जा रहे हैं, ज़मीन बहुत महंगी होती जाएगी, धीरे धीरे जो गरीब हैं थोड़ी थोड़ी ज़मीन बेच करके अपना बसर करेंगे और धनवान लोगों के पास ज़मीन आ जाएगी, पूरा माल अमीर बहुत अमीर हो जाएगा, गरीब बहुत गरीब हो जाएगा, जब उसे रोटी नहीं मिलेगी तो बंदूक उठाएगा ठा शूट करके सेठ का पैसा लेकर भग जाएगा। ये एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होगी, आप देखना थोड़े टाइम में होगी, क्योंकि आदमी बेरोजगार होता जा रहा है, उसे रोटी नहीं मिल रही है, वो परेशान है, आखिर में जब उसके बच्चे भूखे मरेंगे, खुद भूखा मरेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा धन सरमाएकारों के पास पूरी ज़मीनें पहुँच जाएगी, पूरा धन, मैं कम्युनिस्ट विचार नहीं बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। इसी तरह वाह 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 वाह, ये भक्ति गलत हाथों में पहुंच गई है, दौलत गलत हाथों में पहुंच गई है, कहाँ स्वदेशी की बात करते थे महात्मा गांधी, हर एक आदमी को रोज़गार दिया जाए, हर एक आदमी को काम दिया जाए तब खुशहाली होगी देश में, अब माहौल ये बन रहा है जो अमीर हैं बहुत अमीर होता जा रहा है, लखपति करोड़पति होता जा रहा है, करोड़पति अरबपति होता जा रहा है, अरबपति खरबपति होता जा रहा है, गरीब महागरीब होता जा रहा है, महागरीब कंगाल होता जा रहा है और कंगाल भिखारी होता जा रहा है। तो भिखारियों की संख्या, गरीबों की संख्या, भूखमरों की संख्या जब बढ़ती जाएगी तो मजबूर होकर उठाएंगे गोली ठा करके मार के उसका पैसा ही लेकर के चले जाएंगे, रोटी तो खानी है, जीवन तो गुजारना है, चाहे फाह में चले, वो कहेगा ठीक है बाल बच्चे तो सुखी हो जाएंगे, मैं कम से कम जेल में बैठा रहूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मरता क्या ना करता, आखिर भूखा आदमी क्या नहीं करेगा। तो एक तो बेरोजगारी बहुत हो गई, इसलिए भक्ति के क्षेत्र में बहुत लोग कूद पड़े हैं, जिनमें न तो भगवान का एक नया पैसा प्रेम है, जिनका न तो भक्ति के प्रति कोई श्रद्धा है, जिनके अंदर न तो कोई समाज को सतर्क और सावधान करने की इच्छा है, वो भी जुट गए हैं, चारों तरफ भक्ति का माहौल, क्योंकि बड़ी दौलत आ गई है भक्ति में, इतना पैसा आ गया है, इतनी माया भक्ति में, लोग दो नंबर का काम कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, ठगियां कर रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ देकर भगवान के नाम पर सोचते हैं पाप कट जाए, उनको समझाया ये जा रहा है ठगियां करो, बेईमानियां करो, छल करो, कपट करो, जो मन में आए वो करो, थोड़ा बहुत इधर दे दो पाप कट जाएंगे। नाम गुरु का तुले
मन रंगी।